वेलकम स्टूडेंट्स टू क्लास 4 मॉरल साइंस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स का मीनिंग क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। गुड मीन्स अच्छा अच्छी, हैबिट्स मीन्स आदतें, अच्छी आदतें। इसके बारे में, अच्छी आदतों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, व्हाट इज़ अ हैबिट, हैबिट क्या होता है, आदतें क्या होती हैं, नीड फॉर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों की ज़रूरत क्यों होती है, क्लीनिनेस साफ़ सफाई, पंचुअलिटी समय पर, मैनर्स एंड पोस्चर, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज़ अ हैबिट, हैबिट क्या होता है। द वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, बिहेविंग एक्सेट्रा आर रेफर्ड टू एज हैबिट्स। जिस तरीके से हम रहते हैं, बात करते हैं, किसी से बिहेव करते हैं, इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, हैबिट्स। गुड हैबिट्स मेक अस लीड अ हैप्पी लाइफ व्हाइल बैड हैबिट्स मेक आर लाइफ मिजरेबल। जो अच्छी आदतें होती हैं उनसे हमारा जो जीवन है वो खुशहाल बनता है, और जबकि बुरी आदतों से हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो जीवन है वो दुखदायी हो जाता है। मोर ओवर पीपल जनरली अप्रिशिएट द पीपल हु पोजेस गुड हैबिट्स एंड अवॉइड द चिल्ड्रन हु पोजेस बैड हैबिट्स। और दूसरी बात, लोग जो हैं उन बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, जो बच्चे जिनके पास अच्छी आदतें होती हैं, जो अच्छा व्यवहार करते हैं, जबकि जो बच्चे बुरी आदतें होती हैं जिनमें, उन बच्चों को वो दूर कर रखते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं। एट योर एज यू कैन गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स ईजीली। इस समय जो आपकी उम्र है, इस उम्र में आप बुरी आदतों से अपना पीछा जल्दी छुड़ा सकते हो, आसानी से छुड़ा सकते हो। बट व्हेन यू ग्रो अप, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको आपकी आदतें जो हैं वो पक्की हो जाती हैं, तब उनसे पीछा छुड़ाना, उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इट विल बिकम हार्ड टू गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ना उस समय मुश्किल हो जाता है। सो यू शुड ट्राई टू लीव योर बैड हैबिट्स एट द अर्लीस्ट, इसलिए आपको बुरी आदतों को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। यू कैन इनकलकेट गुड हैबिट्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अच्छी आदतें आप कहाँ से पा सकते हो, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से। यू शुड नॉट फील शाई इन लर्निंग गुड हैबिट्स फ्रॉम अदर्स, आपको दूसरों से अच्छी आदतें सीखने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज नीड फॉर गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स हेल्प अस इन मैनी वेज, अच्छी आदतें जो हैं वो हमें कई तरीके से मदद करती हैं। दे हेल्प अस कीप आर बॉडी एंड माइंड हेल्दी, इससे अच्छी आदतों से हमारा जो शरीर है और जो दिमाग है वो स्वस्थ रहता है। दे हेल्प अस अवॉइड डिजीजेज, हमें बीमारियों से दूर रखता है। दे हेल्प अस लीड अ हैप्पी एंड बेटर लाइफ, हमें अच्छा खुशहाल जीवन जीने को देती हैं। Moreover, good habits earn us praises from the people. और सबसे बड़ी बात कि अच्छी आदतों से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें लोगों से प्रशंसा मिलती है, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। You should observe the good habits in others and try to inculcate them in yourself. आपको क्या करना चाहिए, दूसरे लोगों की अच्छी आदतों को ऑब्जर्व करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उन्हें अपने जीवन में अपनाने की। नेक्स्ट है क्लीनिनेस। Can you sit on a dirty chair? क्या तुम गंदी चेयर पर बैठ सकते हो? Do you like a child wearing dirty clothes? क्या आप उस बच्चे को पसंद करोगे जिसने गंदे गंदे कपड़े पहने हों? No. Nobody likes dirty things or the people who wear dirty clothes. कोई भी व्यक्ति जो है वो गंदी चीज़ों को या जिन्होंने गंदे कपड़े पहने हों उन्हें पसंद नहीं करते हैं। We do not want to live in a dirty house. हमें गंदे घर में रहना भी पसंद नहीं है। But many people do not care for cleanliness. फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ़ सफाई को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। दिस इज़ अ बैड हैबिट, ये एक बहुत ही गंदी आदत है। डर्टी थिंग्स ऑल्सो अट्रैक्ट जर्म्स, गंदगी जो है वो जर्म्स को बढ़ावा देती है, अपनी ओर खींचती है। गंदगी क्या करती है, जर्म्स को अपनी ओर खींचती है।
फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोचेस एक्सेट्रा, इन सब को अपनी तरफ खींचती है गंदगी। जहाँ गंदगी होगी वहाँ पर कीड़े मकोड़े होंगे, मक्खी मच्छर होंगे, दे स्प्रेड डिजीजेज और वो सब क्या करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं। इट मीन्स क्लीनिनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड डिजीजेज। इसका क्या मतलब है कि साफ सफाई जो है वो बीमारियों को दूर रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। वी शुड कीप आर बॉडी क्लीन एंड टाइडी, हमें अपना शरीर साफ और सुंदर रखना चाहिए। वी शुड कीप आर हाउस, स्कूल, पार्क एक्सेट्रा क्लीन, हमें अपना घर, स्कूल, पार्क इन सब को साफ रखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो इनकरेज अदर पीपल टू डू सो, और हमें दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट इज पंचुअलिटी। पंचुअलिटी मीन्स डूइंग आर वर्क इन टाइम। पंचुअलिटी का क्या मतलब है, अपने काम को समय पर करना। इट हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आर सक्सेस एंड फेलियर, हमारी सफलता और असफलता में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। अ पंचुअल चाइल्ड डज ऑल हिज वर्क इन टाइम, जो पंचुअल चाइल्ड होता है वो अपना हर काम जो है वो समय पर करता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठता है। टेक्स हिज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ऑन टाइम, अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज़ें समय पर, तीनों खाने जो हैं वो अपने समय पर खाता है। ही रीचेज हिज स्कूल ऑन टाइम, अपने स्कूल वो समय पर पहुंचता है। ही कम्प्लीट्स हिज होमवर्क डेली ऑन टाइम, अपना हर रोज़ होमवर्क कंप्लीट करता है। इफ़ समवन सेट्स अ टाइम फॉर अ मीटिंग, ही रीचेज देयर ऑन टाइम, अगर उसको किसी से मिलना है तो वो समय पर पहुँचता है। इट मीन्स अ पंचुअल चाइल्ड गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू टाइम, इसका क्या मतलब है कि जो पंचुअल चाइल्ड होता है वो समय को बहुत वैल्यू देता है। यू शुड रिमेंबर दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टाइम एंड टाइड ये दोनों चीज़ें जो हैं वो किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। का वर्षा जब कृषि सूखने, This saying means that there is no use of rain after the crops have dried. इस sentence का वर्षा जब कृषि सूखने, इसका क्या मतलब है कि बारिश का उसके बाद कोई यूज़ नहीं है। किसके बाद, अगर हमारी फसलें ही सूख चुकी हैं, फसल सूखने के बाद बारिश का कोई महत्व नहीं है। Therefore, you should do all your work in time, otherwise you will have to repent later on. इसलिए आपको अपना हर काम जो है वो समय पर करना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। Next is manners. Manners means how you behave when you interact with others. Manners का क्या मतलब है कि किस तरह से आप दूसरों से behave करते हो। Do you offer a chair to your father, mother or any other elder when they come to you? क्या जब आपके कोई बड़े, आपके फादर, आपके मदर, आपका कोई बड़ा भाई बहन आपके सामने आते तो क्या उनको आप चेयर ऑफर करते हो? इफ़ येस यू हैव गुड मैनर्स, अगर ऐसा है तो आप में गुड मैनर्स हैं। मैनर्स आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर, वेदर यू आर एट होम और आउटसाइड। मैनर्स जो हैं वो हमें हर जगह पर, हमें जीवन के हर पहलू पर उनकी ज़रूरत होती हैं, चाहे हम घर पर हों चाहे घर से बाहर। लेट्स रीड अबाउट सम गुड मैनर्स। टेबल मैनर्स, वाइल ईटिंग यू शुड नॉट टॉक। अब हम सबसे पहले टेबल मैनर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम खाना खाते हैं तब हमें बात नहीं करनी चाहिए। यू शुड च्यू द फूड स्लोली विदाउट मेकिंग एनी साउंड, हमें अपना खाना बिना आवाज़ किए चबाना चाहिए। यू शुड नॉट लीव फूड ऑन योर प्लेट, आपको अपनी प्लेट में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। टेक एज मच फूड एज यू नीड, उतना खाना अपनी प्लेट में डालो जितना आपको ज़रूरत है। डू नॉट लिक योर फिंगर्स वाइल ईटिंग, खाना खाते समय आपको अपनी फिंगर्स लिक मीन्स चाटनी नहीं चाहिए। यू शुड नॉट कीप योर एल्बो ऑन द टेबल वाइल ईटिंग, खाना खाते समय आपको अपनी एल्बो जो है वो टेबल पर नहीं रखनी चाहिए। यू शुड नॉट प्ले विद द कटलरी, टेबल पर जो कटलरीज होती हैं मीन्स स्पून, फोक, नाइफ होते हैं, उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। यू शुड ऑल्सो अप्रिशिएट योर मदर फॉर मेकिंग टेस्टी फूड, आपको अपनी मदर को अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा खाना बनाया, अगर उन्होंने अच्छा खाना बनाया है तो उसे अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। यू शुड नॉट कम्प्लेंट अबाउट द फूड सर्व्ड टू यू, आपको जो खाना सर्व किया गया है उसकी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। दीज आर गुड टेबल मैनर्स, ये अच्छी टेबल मैनर्स हैं दैट यू शुड बी फॉलोड बाई यू Whenever you take food, जो कि आपके द्वारा हमेशा अपनाई जानी चाहिए, आप उनको हमेशा follow करो। It does not matter whether you are at home or somewhere else. इसका इन आदतों को आपको हर जगह पर अपनाना चाहिए, चाहे आप घर पर हो चाहे कहीं बाहर खाना खा रहे हो।
नेक्स्ट इज व्हेन यू इंटरैक्ट विद समवन, जब आप किसी से बातचीत करते हो. यू शुड विश योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, नेबर्स एंड योर टीचर्स व्हेन यू मीट देम. जब भी आप किसी को मिलते हो तो आपको उन्हें विश ज़रूर करना चाहिए. When a new guest comes to your house, you should not rush back into your room. जब भी कोई आपके घर में कोई नया मेहमान आता है तो आपको अपने कमरे में नहीं भाग जाना चाहिए. You should wish him or her and try to make them comfortable at your place after knowing about them. उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद उनको आपको क्या करना चाहिए, आपको आप उन्हें विश करो और उन्हें अपने घर में उस जगह पर बैठाओ जहाँ पर वो कंफर्टेबल फील करें. इफ़ अ नोन गेस्ट अराइव्स एट योर होम, और अगर कोई नोन गेस्ट, कोई आपकी जान पहचान का व्यक्ति आपके घर में आ जाता है, यू शुड विश हिम, तो सबसे पहले आपको विश करना चाहिए एंड आस्क हिम टू बी सीटेड, और उनको बैठाना चाहिए. यू शुड ऑल्सो सर्व हिम वाटर, और उनको सबसे पहले वाटर सर्व करना चाहिए. रिमेंबर whenever यू विश anyone, यू शुड बी इन अ cheerful मूड, और सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप किसी को विश करते हो तो आपका चेहरा जो है वो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ होना चाहिए. यू शुड ऑल्सो हेल्प ओल्ड एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, आपको हमेशा बूढ़े और अपाहिज लोगों की मदद करनी चाहिए. यू शुड ऑफर योर सीट टू देम whether इन अ बस और इन अ ट्रेन, चाहे आप बस में हो या ट्रेन में हो, आपको अपनी सीट ऐसे व्यक्ति को ज़रूर ऑफर करनी चाहिए. When you talk to your elders, you should keep your voice low. जब आप अपने बड़ों से बात कर रहे हो तो आपको अपनी आवाज़ जो है वो धीमी रखनी चाहिए. You should try to look at the face of the person to whom you are talking. और कोशिश करो कि जब भी आप किसी से बात करते हो तो उसके चेहरे में, उसके तरफ देखकर बात करो. You should listen to others seriously. और दूसरों की बात को ध्यान से सुनो. You should pay attention to his or her words. उसके द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनो. Then is next topic, posture. पोस्चर रेफर्स टू द वे वी सिट. पोस्चर का क्या मतलब होता है, जिस तरीके से हम बैठते हैं. इट टीचेस यू हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड एंड हाउ टू वॉक. पोस्चर में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है. योर बॉडी पोस्चर ऑल्सो अट्रैक्ट अदर्स, आपका बॉडी पोस्चर जो है वो दूसरों को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है. यू शुड सिट स्ट्रेट, सबसे पहले तो आपको सीधे बैठना चाहिए, जैसे कि आप इस चेयर पर इस बच्चे को देख रहे हो, आपकी बैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. यू शुड स्टैंड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे खड़े होना चाहिए, झुक कर नहीं खड़ा होना चाहिए. एंड वॉक स्ट्रेट, और सीधे ही चलना चाहिए. यू शुड नॉट सिट स्टैंड और वॉक विद बैक और हेड बेंड, आपको अपनी कमर या अपना सर झुकाकर नहीं बैठना चाहिए. चलना ऐसे सर झुकाकर या कमर झुकाकर खड़े नहीं होना चाहिए, और इसी तरीके से आपको ऐसे ही सर झुकाकर चलना नहीं चाहिए. यू शुड ऑलवेज सिट स्टैंड और वॉक स्ट्रेट. ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. इस वीडियो को आप ज़रूर अच्छे से देखें, सुने 2-3 बार, ताकि ये चैप्टर आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए. कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट उसमें इसके एक्सरसाइज भेजूंगी. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.